नतीजे ने हर किसी को परेशान कर दिया, चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में डाल दिया और सरकार पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि लगातार सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके चुनावी धंधे को क्यों चलाया जा रहा है। दरअसल हरियाणा चुनाव के जो नतीजे सामने आए उसके बाद सोशल मीडिया पर यही सवाल सरकार पर दागे जा रहे हैं कि ये चुनावी धंधा है, कुछ और नहीं है। दोस्तों, किस तरीके से सवालों की बौछार लगाई गई और ये सवालों की बौछार कोई छोटे मोटे व्यक्ति या छोटे मोटे टूलकिट वाले नहीं लगा रहे, खुद निर्मला सीतारमण के पति, बहुत ही जाने माने इकोनॉमिस्ट से लेकर के तमाम बड़े बड़े एक्टिविस्ट ने किस तरीके का सवाल नरेंद्र मोदी की सरकार के आगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर CAC राजीव कुमार के आगे रखा है, मैं एक एक कर बताऊंगी और ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद वोट फॉर डेमोक्रेसी ने जुलाई 2024 में एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें कि लोकसभा चुनाव में हुए धांधली पर बड़ा सवाल उठाया गया था। इस रिपोर्ट में इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर्स की भूमिका पर भी संदेह जताया गया था। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि लोकसभा चुनाव के दौरान देश के अलग अलग 79 सीटों पर ईवीएम में जितने वोट पड़े और जितने वोट गिने गए उसमें बहुत बड़ा अंतर था। और इसके बाद भी इलेक्शन कमीशन ने इस बात का ना तो खंडन किया और ना ही इस पर इलेक्शन कमीशन की ओर से, राजीव कुमार की ओर से किसी तरह का कोई जवाब आया, यानी जवाबदेही से इलेक्शन कमीशन बचता हुआ नजर आया है। हर इलेक्शन के हर फेज में वोट का डेटा बढ़ा करके दिखाया गया, इस पर भी इलेक्शन कमीशन खामोश नजर आया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति जो कि इकोनॉमिस्ट भी हैं, उन्होंने इस रिपोर्ट की तारीफ की थी और सरकार पर बहुमत चुराने का यानी मेजॉरिटी चुराने का आरोप उन्होंने लगाया था। इससे पहले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR ने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के धांधली के खिलाफ याचिका दायर की थी और इलेक्शन कमीशन से फॉर्म 17C का डेटा शेयर करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट के दखल देने के बाद जाकर के इलेक्शन कमीशन ने डेटा शेयर करना शुरू किया था जिसमें करीब करीब 10-11 दिनों की देरी हुई थी। फॉर्म 17C में ईवीएम की पहचान संख्या, उस बूथ पर कुल मतदाताओं की संख्या, उन मतदाताओं की कुल संख्या जिन्होंने रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद वोट ना डालने का फैसला किया उनकी संख्या, वोटर्स जिन्हें वोट देने की अनुमति नहीं दी गई उनकी संख्या, प्रति ईवीएम दर्ज किए गए वोटों की कुल संख्या शामिल होती है। 17C में मतदान प्रतिशत के आंकड़ों का पूरा विवरण होता है। मतदान की संपत्ति के बाद इसे सभी पार्टियों के पोलिंग एजेंट को दी जाती है। मुंबई के नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट पर शिवसेना शिंदे गुट के नेता करीब 48 वोटों से चुनाव जीते थे। यहां के रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी के खिलाफ आरोप ये लगा था कि उन्होंने NDA अलायंस की मदद की और उन्हें जिता दिया 48 सीटों से। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने आम चुनाव 2024 के चुनाव आयुक्त द्वारा पहले 3 चरणों में कुल वोटों की संख्याओं का खुलासा ना करने की गंभीरता पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि मैं अपने पूरे कार्यकाल में कभी ऐसा नहीं देखा कि वोट डाले जाने के 10-11 दिन बाद इस तरीके से वोटर टर्नआउट डेटा को जारी इलेक्शन कमीशन कर रहा है, क्योंकि एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है और इसमें सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, इसमें देरी किस बात की। अशोका यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर सब्यसाची दास ने अपने एक रिसर्च पेपर में कहा था कि 2019 लोकसभा चुनाव में वोट मैनिपुलेशन हुआ था, इसका सीधा संबंध BJP की जीत से था। इन्होंने अपने रिसर्च में कहा था कि ऐसा लगता है कि ये धांधली भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह यानी मुसलमानों के खिलाफ एक संयोजित चुनावी भेदभाव का रूप ले रहा है जो कि इलेक्शन ऑब्जर्वर की कमजोर निगरानी के कारण हो रहा है, यानी सीधा सीधा सवाल इलेक्शन कमीशन पर। इस रिसर्च के पब्लिश होने के बाद इस पर बहुत बवाल हुआ था, प्रोफेसर सब्यसाची दास को रिजाइन तक करना पड़ा था। पॉलिटिकल एनालिस्ट सोशल एक्टिविस्ट पारुलेकर ने यह सवाल अब कांग्रेस से और राहुल गांधी से पूछ लिया है। उन्होंने कहा कि शायद राहुल गांधी को इस पर गौर करने की जरूरत है क्योंकि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, इस मुद्दे को छोड़ने की जरूरत नहीं, इस मुद्दे को दबा करके पकड़ने की जरूरत है और इस मुद्दे को लेकर के सदन से लेकर के संसद तक
और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट तक फिर एक बार पहुंचने की जरूरत है। ये सब हमारे आंखों के सामने, उनके मुताबिक, पारुलेकर के मुताबिक, ये सब कुछ हमारे आंखों के सामने हो रहा है। मोदी और अडानी के गुजरात लॉबी ने पूरे देश के संस्थाओं पर कहीं ना कहीं कब्जा कर लिया है। क्या कांग्रेस के पास इतने कार्यकर्ता नहीं है कि कांग्रेस एक नया असहयोग आंदोलन खड़ा कर सके? क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं कर सकते तो ये मोदी और अडानी का मुकाबला नहीं कर सकते। क्या ये घर घर जाकर के नहीं बता सकते कि मोदी और अडानी ने इस देश के साथ क्या किया है? इस देश के नागरिक मोदानी द्वारा सरकार के इस अभूतपूर्व अपहरण में फंस गए हैं। हमें अपने लोकतंत्र को मनुवादी फासीवादी के चुंगल में छुड़ाने के लिए आधुनिक लोकतांत्रिक यंत्रों की जरूरत है। अगर कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है तो ये आज मोदानी के फासीवादी के लिए एक सुरक्षा वल्व यानी कि सेफ्टी वल्व खुद कांग्रेस साबित हो रही है। दोस्तों, कुल मिलाकर के देखा जाए, ये सवाल जो है राहुल गांधी से पूछा जा रहा है कि आप इस मैटर को छोड़ क्यों रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर के आपको बात करने की जरूरत है, आपको आवाज बुलंद करने की जरूरत है, बेबाक और बेखौफ तरीके से इस मुद्दे को उठाने की जरूरत है, क्योंकि आपके समर्थन में या इस मुद्दे के समर्थन में हजारों इकोनॉमिस्ट, हजारों पॉलिटिकल एनालिस्ट और इस पर जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो आपका साथ देने को तैयार है। उनके पास तथ्य है, उनके पास सबूत है जो वो आपके सामने पेश कर सकते हैं। लेकिन अगर राजनीतिक तरीके से इस पूरे के पूरे चीज का हल निकालने की जरूरत है तो उसमें राहुल गांधी एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन उन्हें आगे आने की बेहद जरूरत है, वरना इसी तरीके से शायद एक एक कर हर एक राज्य बीजेपी फतेह करते जाएगी और सारा सच पता होने के बाद भी कोई सवाल, हजारों सवाल उठाने के बाद भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय, आपकी टीका टिप्पणी इस पर कमेंट कर जरूर लिखिएगा। हम तथ्य के साथ आपको बताएं कि कितने बड़े बड़े लोगों ने भी, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट, जो इसके जानकार हैं, जो ईवीएम हो गया हो या जितने भी बड़े बड़े सोशलिस्ट हैं, उन लोगों ने इस मुद्दे को किस तरीके से उठाया और कितनी बार अलग अलग तरीके से इसे लेकर के सत्ता से सवाल पूछा गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हो, सरकार हो, किसी के मुंह से इस मुद्दे पर चू नहीं निकलती है। लेकिन शायद अब इसे एक आंदोलन के तौर पर, उस बड़े पैमाने पर इसको सजाने की अब बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी शायद सरकार कुछ करेगी। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी टीका टिप्पणी, आप इस पर विचार क्या रखते हैं, कमेंट कर हमारे साथ शेयर जरूर करेगा। बाकी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात दूसरे वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।